अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं टेक्सपोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने सेल फोन के अंदर से अपनी इमेजेस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। कुछ सिनेरियो में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम फेस आती है, अगर हमने अपना सेल किसी को देना हो तो हमारे सेल फोन के अंदर कुछ ऐसी तस्वीर ऐसी पिक्चर्स होती है जिनको हम अपनी गैलरी से हाइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार ये तस्वीरें किसी और को नज़र ना आए। तो आप सिंपली अगर आपको सेल फोन के अंदर सेव का ऑप्शन नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने गैलरी से अपने मनपसंद इमेजेस को सिंपली हाइड कर सकते हैं और मोस्ट सिक्योर एप्लीकेशन है। आप इजीली यहां पे अपनी इमेजेस को ट्रांसफ़र करके आप अपनी गैलरी से अपनी उन इमेजेस को हाइड कर सकते हैं और कोई आपका दोस्त भी नहीं आपकी इमेजेस को फाइंड कर पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको गाइडगी से मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप अपनी गैलरी की इमेजेस को लाइक सेफ की तरह आप अपने गैलरी से आप एक तरह के सेफ स्टोरेज में कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन आजकल की काफ़ी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन जा रही है और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर ईजिली मिल जाती है। प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे तो आपने सिंपली सर्च में जाके लिखना है कीप सेफ के नाम से एक एप्लीकेशन। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रेटिंग आप इसकी देख सकते हैं, 4.4 इसकी रेटिंग है और 50 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। तो मतलब कि अब तक की सबसे सिक्योर एप्लीकेशन है और एक तरह का फोटो वॉल्ट है और यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट वीडियोस और इमेजेस वगैरह इजीली हाइड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है कि इसका एक साइनअप का प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या है हम देख लेते हैं कि जब हम ऐप को ओपन करते हैं तो हमसे कुछ परमिशंस मांगता है और ये सिंपली परमिशन आपने इसको अलाउ कर देनी है। एक्सेस ग्रांट करने के बाद आपसे वो साइनअप का एक पेज देगा, अपनी ये पेज फिलअप करना है और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज़ अगर आप न्यू हैं तो आप सिंपली साइनअप पे क्लिक करें और कंटिन्यू के ऑप्शन में प्रेस करें। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ अपना नेम दे देना जो भी आपका नेम होगा और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल लगा देनी है जो ईमेल आपको याद है और जो ईमेल आपकी सिक्योर है, मतलब कि वो ईमेल लगाइएगा जो आपके पास ही जिसका लॉगिन हो और इसका लॉगिन किसी और के पास ना हो। सिंपली यहाँ पे हम कोई एक ईमेल लगा लेते हैं अपनी और ईमेल लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये हमें पेज फर्दर किस तरफ लेके जाता है। सिंपली मैंने ईमेल पुट किया है और वो यहाँ पे हमें ऐड आइटम का कह रहा है और ऐड आइटम्स में वो आपको यहाँ पर आपकी गैलरी शो करवाएगा और यहाँ से आप ईज़िली अपनी कोई इमेज मूव ऑन करना चाहते हैं इस वॉल्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर दें। जब आप स्किप करेंगे तो वो आपसे आपका पिन पूछता है और आपने यहाँ अपना कोई भी पिन लगा देना है जो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे तो वो आपने पिन लगाना है सबसे पहले, तो हम एक रैंडम पिन लगा लेते हैं। रैंडम पिन लगाने के बाद आपने सिंपल इसको री एंटर करना है और री एंटर करने के बाद आप इस एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं और वो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज दे रहा है, मेन एल्बम, कार्ड आईडीज, सिग्निफिकेंट एंड वीडियोस, और उसके साथ आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन भी दे रहा है। प्लस के बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद वो आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है अगर आप पूरा का पूरा एक एल्बम ऐड करना चाह रहे हैं तो एल्बम भी ऐड कर सकते हैं, अगर सिंगल बाय सिंगल फोटो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं या आप मैनुअली आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं और वो यहाँ इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में आएँ तो प्राइवेट सेक्शन में ही वो हमें यहाँ कैटेगरीज दिखाता है। शेयर्ड में आएँ तो आप यहाँ इजीली शेयर्ड एल्बम क्रिएट करके आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके आप वो एल्बम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आउट ऑफ सिटी बैठा हुआ है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू एक शेयर एल्बम क्रिएट करके अपने दोस्तों को भी वो इमेजेस दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं उसका तरीका भी बता देता हूँ। सिंपली आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट फोटोज आ रहा होगा, आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ वो आपकी गैलरी शो करवा देता है और यहाँ से आप अपनी ईजिली गैलरी में से अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट करके आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई आपको इमेज करके मूव दिखा देता हूँ, ये इमेज हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ इंपोर्ट आपके सामने वो मेन एल्बम में आ चुकी है। तो ये इमेज आपको आपकी गैलरी में बिल्कुल भी नहीं शो होगी, ये जस्ट यहाँ पे आपके क्लाउड में सेव हो जाएगी और यहाँ पे ये सेफ रहेगी। उसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन की कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं सिंपली आप इन थ्री बार्स पे क्लिक करें, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ वो आपको डिफरेंट सेटिंग दे देता है। अगर अकाउंट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, कुछ इन ऐप परचेजेस परचेज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे अकाउंट सेटिंग भी कर सकते हैं और वो आपकी अकाउंट से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, और अगर ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थीम अगर चेंज करना चाह रहे हैं थीम भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का।
उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डार्क मोड ऑन करना चाह रहे हैं तो डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे वो प्रीमियम फीचर दे रहा है। उसके साथ साथ अगर आप लॉक स्क्रीन चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, फेक पिन लगाना चाह रहे हैं, सीक्रेट डोर, काफ़ी इसके अंदर ऑप्शन हैं जो कि आपकी इस एप्लीकेशन को सिक्योर बनाते हैं और आपकी जो इमेज है वो भी यहाँ पे सिक्योर रहेंगी। तो यही एक एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन के ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।